अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार आज मैं ना अपनी अब बाइक लेके चला ही जाता हूँ पापा के पास, क्योंकि वो वाली जो गाड़ी मैंने चुराई थी ना, वो मैंने यहीं पे रख दी है। मैं वो सोचा कि पापा को नहीं बताऊँगा कि रात को मैंने ना ताला लगा दिया, क्योंकि जब वो पापा अभी तो मेरे ख्याल से पापा तो यहाँ पे आते नहीं हैं, अपने घर पे रहेंगे, तो यहाँ पे ना गाड़ी एकदम से सेव है मेरी, है ना। तो वो ना अभी कुछ भी नहीं होने वाला उसको यहाँ पे, तो अभी सीधे से ये पकड़ते हैं अपनी बाइक और बाइक पकड़ के ना पापा के पास चलते हैं। पापा को कहते हैं ये वही वाली है ना जो हमने खरीदी थी, उसको वापस करके ना हम वो वाली ना हम ले लेंगे अपनी। सही है ना, हम क्या करेंगे, हम वो नई उनके पास बाइक आई हुई है ना, होंडा 125, हम वो लेंगे। जल्दी से मैं ना पापा के पास चला जाता हूँ। अबे खुल जा जल्दी से, तो खुलती भी नहीं है यार ये गेट जल्द है ना। अबे खुल भी जा, हाफ दरवाजे रास्ते में बंद हो गया। सीधा जाना उनको यहाँ पे, तो पापा भी नाराज हो रहे होंगे यार, अभी तक गए नहीं थे, मैंने रात वहीं पे गुजार ली और पापा मेरे वेट करते रहे। पापा मेरा वेट करते होंगे, लेकिन मैंने पापा को बताया भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे। तो भी कोई बात नहीं है, पापा को मैं समझा दूंगा कि मुझे काम में आ गया था कुछ, इसी वजह से ना मैं आ नहीं सका था, तो मुझे माफ़ कर देना, सही है ना। तो भी आल्टर की हुई है एकदम से, ओह बच गया, एकदम से आल्टर की हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो ये हाईवे पे चलने के लिए ना बिल्कुल सही है। अभी देखो सुबह सुबह का टाइम है, वो इतनी ज़्यादा धूप मेरी आंखों में पड़ रही है ना, बाइक सही तरह से चलाई भी नहीं जा रही। तो अभी मैं सीधा जा रहा हूँ उस तरफ। गाइस अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो ना जल्दी से। आप ना वीडियो देखते हो तो लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और सब्सक्राइब तो दूर की बात है, अब करते ही नहीं हो। हाँ तो वीडियो देखा करो यार, ना आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ना इतनी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं मैं और पापा, आप ना ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करते। आप सपोर्ट किया करो, फिर दिल करता है अभी वीडियो बनाने को। अब ऐसे नहीं करते ना तो फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने को। अब ना लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें आप। अभी पापा का घर काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से, लेकिन मैं ओह अभी मैंने एक तोड़ दिया, खैर है वैसे भी इसको कोई देखता नहीं है यहाँ पे, लगाने का अभी फजूल में टाइम खराब है इनका। वैसे बिल्कुल सीधा जाना है राइट। वैसे एक बात है, यहाँ के रोड की सफाई बहुत ज़्यादा है इन लोगों की, है ना। अभी ये आ गया, अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई भी गंद कचरा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मुझे, बहुत ज़्यादा सफाई है ना। अभी खुल जा, बहुत टाइम लगता है यार ये वाले इशारों पे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखा अभी खुला है इतने टाइम बाद, इतनी देर पे तो 500 जगह एक और लगा हुआ है यहाँ पे, यार समझ से बाहर है क्या करते हैं। वैसे मुझे खुल गया खुल गया खुल गया, मैंने देखा ही नहीं था खुल गया। यार देखो इतने यार लगे हुए यहाँ पे, क्या करूँ, मुझे गुस्सा आता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना इग्नोर करना शुरू कर दूँ, मैं इसको ना नहीं देखा करूँगा। मैंने वैसे भी इसी तरफ जाना है तो मैं चला जाता हूँ। खुल गया वैसे भी, खुल गया था वो। हाँ मैंने वैसे भी इसी तरफ जाना था, है ना। मैं पापा के पास जा रहा हूँ, पापा पता नहीं क्या कर रहे होंगे, गुस्सा ही कर रहे होंगे पापा ने, क्या करना है। अबे अबे शुक्र है खुला हुआ ये, मैंने समझा ये भी बंद है। अबे सही बात है, अगर इतने यहाँ पे इशारे लग गए ना तो मैं इग्नोर किया करूँगा, मैं नहीं रुका करूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता जितने यहाँ पे। देखो देखो आगे भी लगा हुआ है, मैंने सीधे जाना, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, लग जाए पुलिस मेरे पीछे मैं पापा को बता दूंगा, बट मैं घर ही नहीं जाऊंगा, पुलिस ढूंढती रहे मुझे। हाँ इतने इशारे लगाए हुए इन लोगों ने यहाँ पे। भैया पापा का घर आ चुका है यहाँ पे। अबे खुल यार, देख दो पापा इसको लॉक लगा के रख देते हैं, पता नहीं क्या यार मसला, मुझे समझ नहीं आती। इसको यही पे खड़ी करते हैं और बेल देते हैं पापा को, दरवाजे पे जाके ना बेल देते हैं ताकि जल्दी से दरवाजा खोल दे। ये लगी हुई है बेल, पापा दरवाजा खोलो।
पापा। अबे ये कौन आ गया बाहर? कितनी बेल दे रहा है यार, ये कौन है? मुझे तो जिम्मी पे शक है कि वो ही होगा, क्योंकि वो ही इतनी बेल देता है। बस भी कर दे यार, कितनी ज़्यादा बेल दे रहा है यार, समझ नहीं आती इसको। जिम्मी होगा मेरे ख्याल से, और किसके काम हो सकते हैं। पापा दरवाजा खोलो। अरे आ गया मैं यार, बेल तो बंद कर देना। अच्छा पापा। हाँ आ गया तू? हाँ पापा मैं आ गया हूँ। कल रात पे तू कहाँ था बता मुझे जरा। कल इतना मैंने तुझे वेट किया, तेरा तू आया ही नहीं। कहाँ पे मर गया था तू? अरे नहीं पापा मुझे ना काम याद आ गया था, जाते जाते वहाँ पे ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए ना मैं फिर आया नहीं। अच्छा आ जा अंदर, आया नहीं के बच्चे, कम से कम कॉल तो कर दे, मैं इतना परेशान हो रहा था यार। नहीं पापा वो मुझे याद नहीं रहा कॉल करना, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा मैं बता के जाया करूँगा। हाँ हाँ बता के जाया कर, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, और तू है कि एक बात नहीं बताता, एक छोटा सा बता दिया कर, कुछ भी नहीं होता। अच्छा पापा। अच्छा आइंदा मैं बता दिया करूँगा। हाँ बता फिर, ले आया अपनी बाइक। हाँ पापा ले आया हूँ मैं। अच्छा कहाँ पे भाई खड़ी हुई है? हाँ पापा मैंने बाहर ही खड़ी की हुई है। अच्छा सही है, चल मैं एक बियर पी लूँ और फिर हम चलते हैं वहाँ पे, ठीक है? हाँ पापा ठीक है आप पी लें, फिर हम चलते हैं सीधा ना सिमियोन अंकल के पास चलेंगे, और अभी तक वो बिकी ना हो वरना पिक गई ना तो मैं क्या करूँ, बिक जाएगी तो। मैंने तुझे कल कहा था ना टाइम पे आ जाना। अच्छा पापा मुझे याद नहीं रहा था, मुझे काम पड़ गया था इसी वजह से नहीं आया मैं। अच्छा अच्छा चल बहाने छोड़, आ जा पीछे। आ रहा हूँ पापा आ रहा हूँ। अच्छा पापा अगर पी गई ना तो फिर क्या करूँगा मैं, मुझे बहुत गुस्सा आएगा फिर, ये वाली मैं नहीं रखूँगा। अरे नहीं बिकती तो टेंशन न ले यार, एक दिन में बिक जाएगी, क्या और भी होगी, एक थोड़ी है। अच्छा पापा अभी चल के देखेंगे तो पता चलेगा ना कितनी थी उनके पास, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अभी। अरे बाहर ही खड़ी की है। हाँ पापा हम लॉक लगा के रखते हैं गेट को, पता नहीं क्यों। ओ यहाँ यार बस, वो तुम्हें पता है कि आजकल के हालात भी सही नहीं है, तो चोरी चकारी है ना, तो लॉक शॉक लगाने पड़ते हैं। अच्छा पापा सही है। अभी पापा हम कहाँ पे जा रहे हैं? यार हम वहीं पे जाएंगे ना सिमियन के पास, वो तो देखते हैं जाके क्या बना। अच्छा पापा सही है, मेरे तो ख्याल से भी वही भी होगी, अगर बिक नहीं गई होगी तो, बिक गई ना मुझे बहुत गुस्सा आएगा मुझे। फिर पापा नहीं बिकती मेरे ख्याल से, अभी जाहिर सी बात है इतनी सारी होंगी, फिलहाल तो एक ही थी, इतनी सारी तो मैंने नहीं देखी। हाँ यार ऐसे एक ही थी, ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे। पापा कितने को तक की देगा वो? पता नहीं यार मुझे कितने की तक्की देगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा पापा। हाँ ना नहीं पापा आपके पास पैसे भी कम है ना, तो हमने इन्वेस्ट भी करनी है अपना, वो खरीदना है भी है ना अपना शोरूम, तो फिर पैसे कितना कम पड़ जाए फिर। हाँ यार वो भी तो टेंशन है, लेकिन तू बाज नहीं आता ना, फिर क्या करें। अच्छा पापा सही है, अभी ये एक ही लेनी है, उसके बाद मैं नहीं लूंगा, सही बता रहा हूँ मैं, है ना, अभी ये यही लेनी है मैंने। अच्छा ठीक है। एक तो यार इशारे बहुत ज़्यादा होते हैं इस जगह पे, समझ से बाहर है। हाँ पापा मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, शहर में बहुत ज़्यादा इशारे लग गए हैं, पता नहीं क्या इन लोगों को क्या मसला है और क्या नहीं है, इतने ज़्यादा इशारे भी देखो इतना टाइम अभी तक नहीं खुला, खुल गया बस। यार खुल ही गया पापा, हद तो होगी इन लोगों की। ये पुलिस की आवाज़ आ रही है पापा। अबे डरो नहीं यार, हमने क्या किया, पुलिस जो को पकड़ेगी। हाँ पापा मैं चुप करके बैठा हुआ यहाँ पे, तो गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। अरे चुप करके बैठ के, आप कुछ नहीं होता, हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ पापा मैं इसलिए चुप कर गया हूँ, वो दूसरी साइड पे चले गई है पुलिस। हाँ तो अच्छी बात है ना, चलेगी मगरो लटकी यार। अभी ये देख एक और था लेकिन खुला हुआ ये। हाँ पापा खुला हुआ लेकिन आगे वाला बंद है, अब क्या करेंगे। अरे चुप कर यार, मैं नहीं रुकने वाला, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, पुलिस लगेगी मैं भगा दूंगा, टेंशन ना ले। तेरे गैराज में खड़ी कर दूंगा जाके, वहाँ पे हम रहेंगे अगर पुलिस लग गई तो। अरे नहीं पापा नहीं 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 आप ध्यान से चलाएंगे, वहीं पे नहीं रहना। क्यों वहाँ पे क्या? अरे नहीं पापा मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप वो काम ही ना करें कि पुलिस पकड़ के ले जाए। पापा अच्छा अच्छा ठीक है। वो खड़ी हुई है, पापा खड़ी हुई है ये। हाँ हाँ यार खड़ी हुई है। पापा यहाँ पे लगा दो ना, यहाँ पे हम सुनियो नंगल से बात करते हैं। हाँ सही है।
मैं आ जाऊँ, बात करते हैं जाके अंदर। अच्छा पापा मैं आ रहा हूँ। चल आ जा आ जा, वहाँ पे चलते हैं, ऑफिस में चल रहे हैं, ऑफिस में ही होगा सम्यान। हाँ पापा भी देखते हैं कहाँ पे है। अरे कहाँ पे सुमियोन, कहाँ पे चला गया यार? पापा यहीं पे था लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे चला गया, दूसरे ऑफिस में देख लेते हैं वहाँ पे होगा। हाँ ये रहा। अस्सलाम वालेकुम समियोन भाई, क्या हाल है? हाँ मैं तो बिल्कुल सेट हूँ यार, तू सुना, आज फिर आ गया? हाँ यार एक काम था यार मुझे थोड़ा सा। हाँ यार मैंने कहा तो था कि अभी कोई भी नहीं मिला यार शोरूम, अगर मिला होगा ना तो मैं बता दूंगा। यार शोरूम की बात नहीं करने आया मैं, यार मैं बात करने आया था वो तुझसे, वो KTM मैंने खरीदी थी ना। हाँ हाँ मुझे याद है, वो जिमी को लेके दी थी। हाँ हाँ वही वाली। तो क्या हो गया उसे? अच्छा यार वो ना रख ले, यानी कि सेल ही करने आया हूँ मैं, अभी जिमी बाहर ही खड़ा हुआ बातें सुन रहा है हमारी। तो यार वो रख के ना, वो जो तेरे पास नई बाइक हुई है, कौन सी है? मेरे ख्याल से होंडा 125 है आई थिंक। हाँ हाँ होंडा है, नया मॉडल आया भाई लॉस एंजेलिस में। हाँ यार वो लेनी थी, इसका दिल आ गया था, कहता मैंने लेनी है तो वही लेनी, वरना ये भी नहीं मैंने चलानी। अच्छा ये बहुत ज़िद करता है यार ये, लेकिन यार वो थोड़ी महंगी आएगी, ये रख भी लूँगा मैं तो। हाँ हाँ बताओ उसका प्राइस क्या है यार? ये वैसे KTM ही, इसका प्राइस ज़्यादा है देखा जाए तो। हाँ हाँ यार वो तो अभी देखते हैं ना उसकी हालत क्या है, तो फिर मैं तुमसे बात करूँगा ना। हाँ हाँ देख लो उसकी हालत, कोई मसला नहीं। चलो आ जाओ फिर, मैं तुझे अपनी बाइक दिखाऊँ यार। हाँ हाँ मैं आ गया, चलो आ जाओ, चल आ जा आ जा, आ गया मैं। चल जिमी आ जा पीछे। पापा कहाँ पे जा रहे हैं? वो तो सूसी साइड पे थे यार, वो जो बाइक नहीं है तेरे वाली KTM, वो इस दिखानी है ना उसकी हालत कैसी है। अच्छा पापा हाँ तो और क्या, चला यार तुझे दिखाऊँ सुनो। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं, पीछे हूँ तेरे पीछे। चल आ जा आ जा, जल्दी आ जा, ये वाली है चेक कर ले। आ गया बस, मैं आ गया, वेट कर थोड़ा। अबे जल्दी चलना यार, बस आ गया यार तेरे पास हूँ। हाँ तो आ जाओ सुनो अंकल। आ गया आ गया यार, ये देख। हाँ यार कंडीशन तो इनकी एकदम सही है। क्यों हाँ सुनियो अंकल, मैंने ये चलाई नहीं है ना ज़्यादा, इसीलिए बेटा चलाई क्यों नहीं है? नहीं, वो दिल नहीं करता था ना ज़्यादा, फिर पापा ने ना वो पुरानो ले ली, मैं वो चलाता रहा हूँ, फिर बाइक से दिल भर गया, लेकिन ये वाली देखी है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए मैं कहीं ये ले लूँगा, ये बेकार ही पड़ी हुई है। हाँ यार सही है यार। हाँ बताओ फिर उसके क्या प्राइस है यार, उसके वो भी देख लेते हैं। आ जा हाँ पापा मैं आ रहा हूँ। यार, ये वाला जो इसका प्राइस है ना, इसका तकरीबन 70,000 रुपया होगा। क्या 70,000 रुपया? हाँ यार 70,000 रुपया लूँगा मैं इसका। हाँ सही है, 70,000 रुपया ही ले ले, लेकिन यार वो वाली जो है ना KTM, उसका 1.5 लाख रुपया प्राइस है, तुझे पता है। हाँ हाँ लेकिन चली भी जो ये ना यार, चल इस तरह गाड़ी यार मुझे ना उसका 1,20,000 रुपया दे दे, यानी कि उसका ठीक है, इसका 70,000 रुपया 20 में से काट ले, बकाया दे दे। यार ऐसे थोड़ी ना होता है ना कल यार, तुझे पता है कि मैं वो दे के ये तो नहीं ले सकता ना। चल यार मैं तुझे ना पीछे फिर 40,000 रुपया दूंगा मैं यार, ना कल 20,000 और दे दे। नहीं, इतना ही है वो चलाई हुई है भाई, वरना मैं नहीं लूँगा। अच्छा अच्छा चल 40 तो देना यार, ये हम फिर ले जाते। हाँ हाँ सही है ले जाओ। अच्छा दो पैसे, चल आ जा जिम्मी, पैसे मिल गए। हाँ पापा हाँ हाँ मिल गए, चल बैठ जा। अबे तू किधर आ रहा सिमियन, तू तो निकल नीचे। यार मैं नहीं आऊँगा साथ में। नहीं, तू क्यों आएगा भाई, तू अपना काम कर, बाइक मैंने ले ली है, पैसे तुझसे ले ली है मैंने, ठीक है? वो बाइक खड़ी हुई है वो देख ले, पकड़ ले, अपनी गिफ्ट में कर ले भैया, मैं जाने दे, ठीक है ना? हाँ हाँ ना सही है यार, तुम लोग जाओ फिर। अबे तू क्यों उतर गया? ओह सॉरी सॉरी पापा। चल ओके यार। हाँ हाँ ओके ओके। पापा ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ यार मैंने सोचा यार थोड़ा सा ऐसे ही काबू आएगा, वरना इसने आना नहीं था। हाँ पापा, ये वरना इसने हाथों से ले लेने थे पैसे, अब हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 4,40,000 रुपया हो गया ना हाँ हाँ इतना ही हो गया। पापा। वाह, अभी 40,000 और बढ़ गया यार, ये काम तो बहुत अच्छा है। हम शोरूम खोल लेंगे ना तो इससे तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। हाँ हाँ यार यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है यार।
कम प्राइस में ले लो और महंगी करके बेच दो यार, ये तो अपने प्रॉफिट में देख इसलिए कितने पैसे कमाते हैं यार ये लोग। हाँ पापा आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं ये। वैसे मानना पड़ेगा यार बहुत अच्छी बाइक है यार, सही बता रहा हूँ। अभी बस अल्टर होने वाली है, अगर अल्टर होगी ना भाई एकदम क्या बात है, जहर हो जाएगी। हाँ पापा ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये वाली। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है। हाँ पापा सही कह रहे हो, बहुत अच्छी है ये वाली। पापा ध्यान से पापा। अरे ध्यान से चला रहा हूँ। नहीं पापा आप ठोकने वाले थे इसलिए मैंने कहा था। अच्छा चुप करके बैठ। अच्छा पापा बैठ गया मैं चुप करके। अच्छा हाँ, गुड 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 गुड, ऐसे ही बैठा रहा। पापा ठीक है। अच्छा पापा अब शोरूम कब खरीदना हमने? पता नहीं यार, जब ये तुम्हें ढूंढ के दे देगा। नहीं पापा आप इस तरह करें ना, एक बंदे को आप ना कहें ना, आप अपने और भी दोस्त है ना तो उनको भी कह दें, तो दो आदमी हो जाएगा ना काम, तो फिर इजीली काम हो जाएगा। बात तो सही है यार तेरी। पापा हमने इधर को जाना है। हाँ, इधर को जा रहा हूँ। मैंने कहा यार अब क्या खड़ा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ पापा पापा खुल गया इशारा। हाँ बिजली को जाते। ओ पापा, अबे यार कितना अंधा हुआ, मेरा दिल करता है यार इसको मारू निकाल के। रुक इसकी भैंस की टांग, रुक इसको अभी बताता हूँ मैं। रुक, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ तेरी भैंस की टांग, इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। पापा गाड़ी में नहीं बैठना। हाँ, मुझे पता चल गया यार, तेरी भैंस की टांग ये ले, पापा मारो इसे, मारो पापा। मारो मारो तेरी भैंस। तू अंधा है क्या, तुझे नजर नहीं आता? ये ले, बदमाशी करेगा तू, बदमाशी। ओ भाई, अबे बच गया मैं। पापा मारो, ये कौन था? हाँ यार बच गया मैं यार, ये ले अब नहीं करेगा तू, ये ले। बात तो मेरी चाहिए, कैसे गंदों की तरह यार गाड़ी चलाते। चल बैठ जमीन। हाँ पापा आ गया। पापा आपने बहुत कुत्ता मारा उसे। पापा हाँ, मुझे मार दिया। नहीं नहीं मारा नहीं है, बेहोश हो गया यार, सही हो जाएगा अच्छा पापा सही है। यार। पता नहीं किस तरह चलाते हैं, अभी बच गए यार। हाँ पापा अगर तो पुलिस देख लेती ना तो फिर नहीं बचना था। अभी कुछ नहीं होता, पुलिस देख लेगी तो टेंशन क्यों लेता है। बहुत अच्छे जान पहचान वाले दोस्त है मेरे। अच्छा पापा, हाँ ना, अच्छा पापा के बच्चे। नहीं पापा आपको पता ही है ना मैं बोलते ही ऐसा हूँ। हाँ, चल कोई बात नहीं है। पापा। फिर हम शोरूम लेंगे ना, फिर हम वहाँ पे अपना कारोबार करेंगे। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कारोबार करने का। हाँ यार, दिल तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, लेकिन इतने पैसे बचे हैं, मैं नहीं चाह रहा ये भी खर्च हो जाए, तो बाद में मुंह उठा के देखते रहे। बस अपने शोरूम डालेंगे ना, फिर तेरी माँ को भी मैं ले आऊँगा। हाँ पापा उनको भी ले आए, खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। नहीं अबे खाना पकाने के लिए तूने लेके आना है क्या? पापा वैसे ही कह रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, सही है। अच्छा ये आ गई भाई तेरी बाइक, अभी देख चेक कर, चला मजे मार जो मसी का। पापा अभी मैं से देखता हूँ। हाँ सही है, अभी ध्यान से चलाई, नई बाइक है इसे, ठीक है, चमका चमका के रखी से जरा। हाँ पापा ठीक है। हाँ सही है, गुड हो गया फिर है। अभी मैं चलता हूँ, अंदर जाके बियर शीर पीता हूँ, प्यास लगी है, पानी शीनी पी लूँ। हाँ पापा ठीक है। मैं अपनी ना ये वाली देखता हूँ, अपनी ये पाइप देखता हूँ, मैं इसके सही से करता हूँ। सही है, आप अंदर जाके पी ले। हाँ हाँ ठीक है, तुम चेक करो, मैं ज़रा बियर शीर पी लूँ। ओके पापा ओके।